फलोदी के नगर पालिका टाउन हॉल में दूर दशक परियोजना के तत्वावधान में कोरोना वैक्सीनेशन जन जागरूकता अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। फलोदी के नगर पालिका टाउन हॉल में दूसरा दशक परियोजना के तत्वावधान में कोरोना वैक्सीनेशन जन जागरूकता अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाप फलोदी घंटियाली ब्लॉक के 313 गांवों के साथ ही फलोदी नगर पालिका के 40 वार्डों से संबंधित कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव साझा किए। बैठक में सराहनीय योगदान के लिए 200 से अधिक वॉलंटियर्स व ग्राम कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। बैठक में दूसरा दशक द्वारा कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता के लिए अक्टूबर से शुरू किए गए अभियान के वॉलंटियर्स ने माना कि पिछले 6 महीनों में बाप घंटियाली और फलोदी क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बहुत प्रभावी जागरूकता आई है। करीब 30,000 व्यक्ति टीका लगाने से डरते थे अथवा उनके अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी थी, लेकिन अब यह संख्या नहीं के बराबर है। परियोजना निदेशक मुरारीलाल थानवी ने कहा कि करीब 80,000 परिवारों का सर्वे करने का एक बहुत बड़ा काम दूसरा दशक की टीम ने किया। मेहनत, समर्पण और सहनशीलता के कारण ही संभव हुआ। इस अवसर पर फलोदी के भामाशाह हेमचंद गुचिया द्वारा बनाई गई कॉलेज निर्माण व अन्य कार्य को भी चर्चा की गई। वही कोरोना काल में प्रधानमंत्री सहायता कोष में सर्वप्रथम सहयोगकर्ता मेघराज कल्ला ने कहा कि मानवता की सेवा में यथाशक्ति योगदान देना चाहिए। कल्ला की बात से प्रेरित होकर हबीब कल्लर ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। मला सरपंच मंगला बोहरा ने कहा कि वह सरपंच के रूप में सारे दायित्व खुद संभालती है। पार्षद अशोक व्यास ने कहा कि सर्वे के बाद हो रहे फॉलोअप से अब टीका नहीं लगाने वाले भी अब मन बनाने लगे हैं। हमारे से जो बैच होते हैं हमारे लिए देश फैले हैं, बाकी सब देश रहेगा तो हम रहेंगे। तो अपने देश के लिए जहां भी जिस परिस्थिति में अगर किसी भाई को किसी भी तरह की अगर देश को मदद करनी पड़े तो सबसे आगे आइए। समझ गए ना? तो आप दूसरों को देखते हैं, खुद के व्यवहार